This story is brought to you by tapeatale.com. बचपन से ही ना हर किसी का कोई परफेक्ट इंसान होता है, वो इंसान जिसकी तरह बनना चाहते हैं। मेरे भी हैं, मेरे पापा। वो कहते हैं ना, डिस्टेंस ब्रीड्स क्लोजनेस। बस पापा और मुझ में भी कुछ ऐसा ही था। वो घर आते थे और चले जाते थे, ये कह के कि जल्दी आ जाऊंगा हाँ, ये जल्दी आ जाऊंगा हाँ, कभी कभी दिनों और महीनों में बदल जाया करता था। लेकिन ठीक है ना यार, मैंने और माँ ने आदत डाल ली थी कि पापा आएंगे और चले जाएंगे। जब भी वो घर पे होते थे तो माँ अलमारी से उनकी वर्दी निकालकर बिस्तर पर सजा दिया करती थी। वो खाकी, डांगरी, बेरे और हर एक चीज जो उनकी वर्दी को पूरा क्या करते थे ना, परफेक्ट होते थे। फौजी, सोल्जर, अफसर और ऐसे सारे शब्द मेरे अंदर जो इमोशंस पैदा करते हैं ना, वो मैं बता भी नहीं सकती। सपने ना बहुत अजीब चीज होते हैं। पूरे हो जाएं तो आबाद, नहीं होना तो इंसान को तबाह कर देते हैं। लेकिन मजे की बात है, सपने तो हम सब देखते हैं, तो मैंने भी देखा था पापा की तरह बनने का सपना। बचपन से ही ना मेरी कहानियों में एक फौजी मुख्य किरदार होता था, वो जिसे ये नहीं पता कि घर कब आएगा, ये नहीं पता अपनी नन्ही सी बेटी की शक्ल अगली बार वो कब देख पाएगा। लेकिन फिर भी करा है सरहद पर, वहां जहां आप और मैं शायद खड़े रहने की सोच भी नहीं सकते। पापा की सर्विस ने ना मुझे वो सारी चीजें सिखाई हैं जो कोई क्लास, स्कूल या अध्यापक कभी नहीं सिखा पाते। जब वो श्रीनगर में पोस्टेड होते थे तो माँ की दुआएं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाया करती थी। तब सिलसिला शुरू हुआ एक फौजी की बेटी से फौजी बनने का। ग्रेजुएशन के एंड साल तक मैंने सब तैयारी कर ली थी। यूपीएससी हर साल दो बार एग्जाम्स कंडक्ट कराता है अपनी सारी सर्विसेज में भर्ती के लिए। मैंने 3 साल एग्जाम्स दिए, तब मैं 20 की थी, आज मैं 23 की हूँ। हर बार एग्जाम क्लियर करने के बाद भी मैं अकेडमी नहीं जा पाती थी क्योंकि लड़कियों के लिए सीट्स बहुत कम है, कभी 5, कभी 11, कभी 12। तुम्हें पता है कितना बुरा लगता है अपने सपने के इतने करीब आकर भी नाकामयाब होना। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, टेम्पररली खुद को लूजर समझना, मैं सब कर चुकी थी। लेकिन सपने का पूरा होना भी अभी दिख नहीं रहा था, तो लोग मुझसे पूछते थे कि ओशीन ये नहीं तो फिर क्या, प्लान बी क्या है। मैंने प्लान बी कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि जिंदगी में ना कई बार हम अपने सपनों के पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं कि हमें नहीं पता लाइफ हमें कहां ले जाती है। बट यू नो हाउ दे से, लाइफ हैपेंस व्हेन यू आर बिजी प्लानिंग अदर थिंग्स। वही मेरे साथ भी हुआ। 2 साल बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ किया जाए फॉर प्लान बी, और मैं मुंबई आ गई। जेवियर्स मेरा प्लान बी था, डेस्टिनी गॉट मी टू बॉम्बे। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि जो होना होता है ना वो होके रहेगा, और जब होना होगा तभी होगा। तो ठीक है, मैंने कहा जब होना होगा तब होगा, और अगर फौज होना होगा तो हो जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा रिजल्ट आ गया है। इस बार ऑल इंडिया रैंक 3 और मैं अकेडमी जा रही हूँ। मुंबई में मेरी ये आखिरी परफॉर्मेंस है, इस महीने मैं चले जाऊंगी। अफसोस है शहर को छोड़ के जाने का, इसे बहुत मिस करूंगी। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे सपनों को उड़ान दी है। ये उन लोगों के लिए जो सपने देखते हैं। सपने देखो ना यार, सपने पूरे होते हैं। अगर कोई सपना तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट जोन पुश करके बाहर जाने के लिए नहीं कहता ना, तो वो सपना सपना नहीं है। अगर कोई सपना तुम्हें खुद पर थोड़ा ज्यादा विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर देता, तो वो सपना सपना नहीं है। सपने देखो क्योंकि वो पूरे होते हैं। उनकी उड़ान पर विश्वास करो, वो उड़ जाएंगे और तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। आखिरी बात, अगर कोई सपना तुम्हारी जिंदगी में जंग नहीं छेड़ देता ना, तो वह सपना सपना नहीं है। थैंक यू।